जय महाकाल की। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी कंटिन्यू चल रही होगी। कुछ रीजंस की वजह से वीडियोस जो ब्रेक हो गए थे, बीच में छूट गए थे। क्लास 10th की आपकी मैथ चल रही थी तो 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से बीच में थोड़ा सा गैप हो गया। अब आपका फिर से नया सेशन अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, आपकी फिर से स्टडी कंटिन्यू हो जाएगी। जो लोग 9th से 10th में आए हैं, 10th से 11th में जाएंगे तो 11th क्लास के भी वीडियोज़ मिलेंगे और 10th क्लास के भी मिलेंगे। अब आपको रेगुलर वीडियोज मिलेंगे, लेकिन पहले आपको 1x1 क्वेश्चंस मिलते थे, ठीक है, अब 1x1 एक्सरसाइज मिलेगी। एक वीडियो में एक पूरी एक्सरसाइज, टाइम कितना भी लगेगा, सिंपल सा एक क्वेश्चन में जो टाइम लगेगा दो क्वेश्चन में, तो पूरी एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन में जितना टाइम लगना वो पूरी एक्सरसाइज में लगना, तो एक एक करके डाल दो, एक साथ डाल दो, ठीक है। तो अभी हम सॉल्व करेंगे 3.3 के दो क्वेश्चन हमारे बच गए थे, तो बस वहीं से कंटिन्यू करते हैं और वहीं से आपको वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन इसके बाद से जो भी वीडियोस आएंगे वो एक एक्सरसाइज का एक वीडियो आएगा, क्वेश्चन वाइज नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी बात के, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5th इज देयर, अ फ्रैक्शंस बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। If 3 is added to both the numerator and the denominator, it's become 5/6. Find the fraction. So it is very easy. तो सबसे पहले हम क्या, फ्रैक्शन में दो चीजें होती हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो पहले हम लेट कर लेंगे कि न्यूमरेटर क्या आएगा और डिनोमिनेटर क्या आएगा, बस उसके बाद फ्रैक्शन बन जाएगा। तो क्वेश्चन 5 है, ये एक्सरसाइज है आपकी 3.3। क्वेश्चन 3 का 5 नंबर है, क्वेश्चन 3 का 5 नंबर। बस क्या करेंगे, लेट न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स, ठीक है, then let the denominator of the fraction equal to y, then what will be the fraction, fraction क्या होगा, numerator upon denominator हो जाएगा, है ना, तो x upon y, ठीक। अब question देखते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे हम first condition, clear। अब स्टार्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं या फर्स्ट कंडीशन लिख सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन, अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ, यानी कि जो हमारा फ्रैक्शन है बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा 9/11, ये फ्रैक्शन हो जाएगा। बस इसको अब सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो 11x प्लस 22 और 9 से y का इक्वल 9y और 9 2 18। 11x इसको इधर लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, माइनस 9y और 22 उधर जाएगा, तो 18 माइनस 22, तो ये हो गया 11, सॉरी यहाँ पे x भी होगा, 11x माइनस 9y और 18 माइनस 22 तो 4 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे हम लिखेंगे सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ 3 इज एडेड टू बोथ, अगर 3 हम जो फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 5/6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6x प्लस 18 और यहां करेंगे तो 5y प्लस 15,
तो 6x माइनस 5y लेफ्ट साइड में लाएंगे और 18 को राइट साइड में, कांस्टेंट टर्म एक साइड और वेरिएबल वाले एक साइड कर लेंगे, 15 माइनस 18, तो ये मिल गया हमें 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है। अब हम फाइंड करेंगे इनका सोल्यूशन, क्लियर। तो कौन से मेथड चल रहे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहे थे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फ्रॉम फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी आपको पता है, किसी वेरिएबल की वैल्यू, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल के, जिस इक्वेशन से हम निकालेंगे उसमें नहीं दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट लिया हमने, तो फ्रॉम फर्स्ट में क्या था, 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 11x माइनस, इधर ले जाएंगे 9y को, इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y। तो x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11, ये x की वैल्यू आ गई। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड में क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली है तो फर्स्ट में नहीं रखेंगे, नहीं तो हमें वापस वही मिल जाएगा, सेकेंड में रखेंगे, ठीक है। तो अब इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, स्पेस बन जाएगा, फर्स्ट कंडीशन वाला कर देते हैं, सेकेंड में रखना है। तो 6 और x की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 और माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। सेकेंड में यहां पे रख दिया हमने इन प्लेस ऑफ x, क्या रखा, माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई करो इसका, माइनस 24 प्लस 54y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। बाय 1 करो और इसका एलसीएम ले लो, 11 माइनस 24 प्लस 54y और 11 जा 11 और 11 का 5 में मल्टीप्लाई, तो माइनस 55y और इक्वल टू माइनस 3। इसको सॉल्व करो, माइनस 24 54 और माइनस 55y, तो माइनस y बचेगा अपॉन, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो बाई 1 करके, तो 11 3 जा 33, 24 को उधर ले जाएंगे, तो माइनस y इक्वल टू माइनस 33 प्लस 24, तो माइनस y इक्वल टू माइनस 9 आएगा, तो y इक्वल टू मिल गया हमको 9। ये चीज क्लियर है, y की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, y इक्वल टू 9 मिल गया। अब y की वैल्यू मिल गई तो जो हमने फर्स्ट निकाला था इक्वेशन या सेकेंड, इनमें से किसी में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको इरेज कर देते हैं, अभी हमारे पास सामने सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड में ही रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लैंग्वेज लिख देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकेंड। तो 6x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 9, इन प्लेस ऑफ वाई 9 रख देंगे, इक्वल टू माइनस 3। तो ये 6x 95 जो 45 माइनस 3, 6x इक्वल टू माइनस 3 माइनस प्लस 45, तो 6x इक्वल टू 42, x इक्वल टू 42 बाय 6 क्या मिल जाएगा, 7। क्लियर, तो हमारी x की वैल्यू मिल गई 7 और y की वैल्यू मिल गई 9 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3rd का 6 नंबर है और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड आफ्टर दैट
We will solve exercise 3.4 whole exercise in a video. Okay, so let's start. 5 years hence, the age of Jacob will be, मतलब 5 साल बाद. अब इस चीज को बहुत इजी वे में आप समझ लीजिए कि अगर पहले की बात करेगा, यानी कि 5 ईयर एगो, 3 ईयर एगो, तो 5 साल पहले, 3 साल पहले हम लोग छोटे थे, मतलब 5 साल एज कम रही होगी हमारी 5 साल पहले, तो हम एज में सब्ट्रैक्ट करेंगे. अगर आफ्टर की बात करेगा, बाद की बात करेगा कि 5 ईयर आफ्टर, 6 ईयर आफ्टर, 3 ईयर, तो उसमें ऐड करें, क्योंकि 5 साल बाद, अभी सपोज आई एम इन एज ऑफ 30, तो आफ्टर 5 ईयर 35 के हो जाएगा. क्लियर? आपकी एज अभी सपोज करो 20 है, 16 है, आफ्टर 5 ईयर तो 16 + 5 = 21 हो जाएगी. क्लियर? तो बिफोर और आफ्टर की बात ये आप दिमाग में बिल्कुल फिक्स रखिएगा. ये बेसिक चीजें हैं. क्वेश्चन है, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी द 3 times द एज ऑफ हिज सन. तो पहले हम दोनों की, और हमेशा दोनों की जब एज का कोई भी क्वेश्चन आए तो करंट एज लेट करेंगे, क्योंकि पहले के लिए हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे और बाद के लिए ऐड कर देंगे. तो हमेशा करंट एज लेट की जाएगी कि अभी क्या एज है उसकी. ठीक? तो लेट द करंट एज ऑफ जैकब, ठीक है, इक्वल टू एक्स ईयर, एंड लेट द करंट एज ऑफ सन वाई ईयर. ठीक है? तो जैकब की हमने एक्स मान ली और उसके सन की हमने वाई मान ली. अब फर्स्ट कंडीशन देखो. फर्स्ट कंडीशन, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही करते जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. फर्स्ट कंडीशन, अब देखिए फर्स्ट कंडीशन, 5 ईयर हेंस, तो एक तरफ आप लिख लीजिए जैकब और एक तरफ लिख दीजिए सन. तो जैकब की एज हमने मानी एक्स और सन की मानी वाई. 5 ईयर हेंस यानी कि 5 साल बाद में, तो दोनों में 5 ऐड कर दीजिए, आफ्टर 5 ईयर की बात कर रहा है. ठीक? After 5 years, Jacob will be the 3 times of his son. Jacob कितना होगा? Son का 3 times, यानी कि son की अगर 5 होगी, तो Jacob की कितनी होगी? 15. ठीक है? तो हम यहाँ पे equal का sign use करने वाले हैं. तो Jacob की है ना 3 times, तो अगर Jacob में multiply कर देंगे हम 3 का, तो Jacob की तो और ज़्यादा हो जाएगी. फिर हमारे equal का कोई मतलब नहीं रहा ना. तो हमको equal करना है, तो किस में multiply करेंगे? Son में, क्योंकि जैकब की तो ऑलरेडी 3 times है. ठीक है? तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब तो इक्वल आएगा, अगर इसी में कर देंगे तो ये और ज्यादा नहीं हो जाएगी. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, तो x माइनस 3y, 5 उधर जाएगा, 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10. 3y यहां आएगा, वेरिएबल एक तरफ, कॉन्स्टेंट एक तरफ, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया. क्लियर? अब सेकंड कंडीशन देखेंगे हम. सेकंड कंडीशन क्या है? 5 ईयर एगो, तो वही काम करिए, एक तरफ जैकब लिख दीजिए और एक तरफ सन लिख दीजिए. जैकब की एक्स लेट की थी करंट एज और सन की वाई. तो 5 ईयर एगो यानी कि 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5 साल पहले ये 5 ईयर छोटे रहे होंगे, सब में 5 ईयर लेस हो जाएगा. ठीक? अब हमें यहाँ पे इक्वल करना है, दोनों की एज इक्वल करेंगे तो कैसे इक्वल होगी? जैकब एज वाज 7 times ऑफ हिज सन. जैकब की कितनी थी? 7 times थी. तो इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई किसमें करेंगे हम? सन में, क्योंकि ये छोटा है, तो जब उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब तो उसके बराबर आएगा. ठीक है? अब बस इसको सॉल्व कर लो. एक्स माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35. तो वेरिएबल एक तरफ ले आओ, प्लस का साइन इधर आएगा, माइनस का, माइनस 35 और प्लस 5, तो ये एक्स माइनस 7y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 38. क्वेश्चन नंबर सेकंड. बस
सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, वही चीज फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट उठा लेते हैं तो x माइनस थ्री वाई, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू टेन, तो x इक्वल टू टेन प्लस थ्री वाई, ठीक है। बस पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन में रख दो। अब हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, x की वैल्यू है तो यहां पे रखेंगे x की प्लेस में, तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, तो 3y में माइनस 7y गया, माइनस 4y और माइनस 30 और माइनस 10, ये राइट साइड जाएगा कांस्टेंट, तो माइनस का हो जाएगा वो, माइनस का हो जाएगा प्लस का था, तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, तो y इक्वल टू माइनस 40 अपॉन माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 10, मतलब आप समझे सन की एज कितनी आई 10 ईयर। अब हमें फादर की निकालनी है तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, किसी में फर्स्ट या सेकेंड में कहीं भी कर सकते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट ले लो, फ्रॉम फर्स्ट y की प्लेस में क्या रख देंगे हम यहाँ पे 10 रख दो, तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू क्या है माइनस 30, 10 थ्री जा 30 इक्वल टू 10, 30 राइट साइड में जाएगा तो 10 प्लस 30 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 40। अब देखो आप मैच कर लेना पहले से, इनमें से किसी में आप रखेंगे ये इसको सेटिस्फाई करेगा, 5 ईयर हेंस 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो यहां रख दीजिए। देखो x की वैल्यू क्या थी 40 आई है, तो 40 प्लस 5 45, y की वैल्यू क्या आई है 10, 10 प्लस 5 15, ठीक है, तो 15 3 जा 45 3 टाइम है कि नहीं जैकब की एज, बस हो गया इजी है, यहां रखेंगे तो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे इक्वल हो जाएंगे। तो ये थे आपके दो क्वेश्चन फिफ्थ और सिक्स्थ जो बचे हुए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लाएंगे अगली एक्सरसाइज 3.4 इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और पूरा एक वीडियो में पूरी एक्सरसाइज होगी, टाइम चाहे जो भी लगेगा, ठीक है। अब मैथ में थोड़ा सा टाइम लगता है भाई, है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।